मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और हरदा से भाजपा विधायक कमल पटेल सिटी कोतवाली पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मिले और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के खिलाफ कर्ज माफी मामले में धोखाधड़ी और षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी एवं मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के द्वारा 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विश्वास दिलाकर लिखित वचन पत्र में किसानों के 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ कराने का वादा कर वोट प्राप्त करने वचन पूरा न करते हुए धोखाधड़ी व अमानत में खयानत करने के कारण संबंधित अधिकारियों व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा पर धारा 420 120 बी 406 409 411 भादावी का अपराध दर्ज करने बाबत आवेदन दिया है। अब इसमें हम जांच करेंगे क्या सही है क्या गलत है और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे, मार्ग निर्देशन लेंगे, उसके बाद हरदा थाने में जाकर एफआईआर कराने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी और सहकारिता आयुक्त और संबंधित अधिकारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित एक षड्यंत्र करके धोखाधड़ी किसानों के साथ किए, मध्य प्रदेश के किसानों को धोखा दिया है। चुनाव घोषणा पत्र में वचन पत्र में किसानों से वादा किया था कि सभी किसानों का सभी बैंकों का चाहे सहकारी बैंक हो चाहे केंद्रीय नेशनलाइज बैंक हो चाहे रेगुलर खाता हो चाहे डिफॉल्टर खाता हो 2 लाख तक का सब किसानों का कर्जा सभी किसानों का कर्जा हम 10 दिन में माफ़ करेंगे नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने पहली फाइल 35,000 करोड़ की 50 लाख किसानों का कर्जा माफ़ करने की और घोषणा कर दी समाचार पत्रों में टीवी में आ गया कि मध्य प्रदेश के 35,000 करोड़ किसानों के माफ़ हो गए। लेकिन जब हकीकत आई और किसानों को प्रमाण पत्र भी दे दिए गए, हरदा जिले में भी कमलनाथ जी आए थे टिमरनी, 42 करोड़ के सहकारी बैंक के प्रमाण पत्र किसानों को दिए गए आपका कर्जा माफ़ हो गया। लेकिन जब किसान बैंक में गए कि हमारा पैसा आ गया तो बैंक वालों ने कह दिया कोई पैसा नहीं आया, तो इस प्रकार धोखाधड़ी की। फिर दूसरा एक सहकारिता आयुक्त ने कमलनाथ जी के निर्देश पर एक आदेश निकाला कि 2 साल तक के किसानों का जो कर्जा है वो 25% सहकारी समिति वहन करेगी अंश पूंजी में से और 75% सरकार देगी और 50% 2 साल से ऊपर वाला। तो किसानों की अंश पूंजी होती है वो किसान के बगैर सहमति के उसके दस्तखत के बगैर निकल नहीं सकती, लेकिन ये डाका डाल रहे हैं कमलनाथ जी, सरकार डाका डाल रही है किसानों की। और जब किसानों की अंश पूंजी अगर सोसाइटी से चली जाएगी उससे कर्जा माफ़ होगा तो एक तरफ से किसान का कर्जा किसान ही माफ़ कर रहे हैं तो सरकार की जरूरत क्या थी। तो ये धोखा दिया है, 420 की है, अमानत में खयानत की है और इसके विरुद्ध आज हमने थाने में जाकर और एसपी कार्यालय में जाके एसपी महोदय को और थाना प्रभारी को हमने आवेदन दिया कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए और धारा 420 120 बी 406 409 और उसके तहत मुकदमा कायम किया जाए क्योंकि इन्हें प्रदेश के लाखों किसानों के साथ धोखा दिया है, षड्यंत्र किया और किसानों की अमानत में खयानत।